तो फ्रेंड्स, एक रिक्वायरमेंट निकल कर आ रहा है IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से ITI और डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए। अब यदि आप इसके लिए एलिजिबल हो तो फॉर्म जरूर अप्लाई कीजिएगा। नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि ITI डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए कोई भी रिक्वायरमेंट निकल कर आता है किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से, तो उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आप तक सबसे पहले पहुँचा पाऊँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं जो है IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। देन मैं इसमें आपको करियर सेक्शन पर लेके जाऊँगा, और जैसा कि इसमें लिखा गया भाई, रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सपीरियंस्ड नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल एट बोंगईगांव रिफाइनरी, तो ये जो रिक्वायरमेंट है ये बोंगईगांव रिफाइनरी की तरफ से जो है ITI। फ्रेंड्स, फाइनली मैं IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन रिफाइनरी के ऑफिशियल PDF पर आ गया हूँ। देन मैं इसमें आपको क्लियर करूँगा कि भाई कौन कौन से स्टूडेंट जो है इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये जो नोटिफिकेशन आया ये 21 अप्रैल 2022 को जो है रिलीज किया गया है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। पे स्केल की बात करूँ तो भाई 25,000 से 1,05,000 तक आपका यहाँ पर पे स्केल रहने वाला है। अगर पोस्ट की बात करूँ भाई, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल की 1 पोस्ट है, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन की 1 पोस्ट है, जूनियर क्वालिटी कंट्रोल का इसमें जो है टोटल नंबर ऑफ 4 पोस्ट है, ठीक है, जिसमें UR की 2 पोस्ट है और ST की 2 पोस्ट है, ठीक है। अब अगर मैं नीचे चलूँ भाई इसमें, तो इस है आपका यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो रहने वाला है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल का, तो यहाँ पर आपका 3 ईयर का डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए मिनिमम 45% मार्क्स के साथ, या फिर आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए फिटर ट्रेड से, ठीक है। और उसके साथ आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किन किन उसमें होना चाहिए भाई, यहाँ पर जो है आपका एक्सपीरियंस मेंटेनेंस ओवरहॉलिंग, ठीक है, स्टीम रोटरी इक्विपमेंट सच कंप्रेसर गैस स्टीम टर्बाइंस बॉयलर कॉलम्स वॉल्व्स पंप्स मैकेनिकल सील्स ड्राई गैस सील्स बेयरिंग जनरल एंट्री फ्रिक्शनल बेयरिंग सेफ्टी वॉल्व्स ETC पेट्रोलियम रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल हैवी केमिकल फर्टिलाइजर पावर प्लांट्स लार्ज इंडस्ट्रियल स्टेबलाइजमेंट। इसमें क्लियरली ये बोला गया है भाई, मैं आपको क्लियर करके बताता हूँ कि इसमें आपके पास एक्सपीरियंस इन जो है चीज़ों में होना चाहिए। अगर मैं फिर से आपको क्लियर करूं तो भाई ओवरहॉलिंग रोटरी इक्विपमेंट सच अ कंप्रेसर गैस स्टीम टर्बाइंस बॉयलर कॉलम्स वॉल्व्स पंप्स मैकेनिकल सील्स ड्राई गैस सील्स बेयरिंग जनरल एंटी फ्रिक्शनल बेयरिंग सेफ्टी वॉल्व्स। तो आपने किसी भी इंडस्ट्री में, लार्ज इंडस्ट्री में काम किया हो, चाहे भाई वो प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो, ठीक है, आपका जो एक्सपीरियंस है वो इन चीज़ों में होना चाहिए। आपने जिस इंडस्ट्री में काम किया है वहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है उस इंडस्ट्री में होनी चाहिए, ठीक है। आपने इन चीज़ों के बीच में रहकर अगर काम किया है और आपके पास उस इंडस्ट्री का 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, देन आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसमें क्लियरली बोला गया है भाई, वो इंडस्ट्री चाहे पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी हो या पेट्रोकेमिकल हो, हैवी केमिकल हो, फर्टिलाइज़र हो, पावर प्लांट हो, कोई भी आपकी इंडस्ट्री हो, लेकिन इन सब में अगर आपने काम किया है देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट में 3 ईयर का डिप्लोमा मिनिमम 55% मार्क्स के साथ, इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंजीनियरिंग, इन सब में आपका जो है डिप्लोमा होना चाहिए 45% मार्क्स के साथ। और सेम वही 1 ईयर का यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका मॉडर्न इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल सिस्टम DCS PLC वॉल्व, बाकी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक फील्ड इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल वॉल्व स्मार्ट, तो इन सब में जो है आपकी फील्ड में यहाँ पर जो है 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें भी भाई क्लियर है भाई, चाहे वो इंडस्ट्री पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी हो, हैवी केमिकल हो, फर्टिलाइजर हो, पावर प्लांट्स हो, गैस प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो, तो कोई भी लार्ज इंडस्ट्री होना चाहिए जो रजिस्टर्ड हो, ठीक है। यहाँ पर जो अगली पोस्ट है वो जूनियर क्वालिटी कंट्रोल की है, जिसमें आपका क्वालिफिकेशन BSc विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से यदि आपने किया है तो भाई आप इसमें अप्लाई कर सकते हो मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स के साथ, ठीक है। बाकी ST SC के लिए यहाँ पर 45% मार्क्स के साथ यदि आप पास हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर भी मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए भाई, HPCL, XRF, WD, XRF, GC, ICAP, तो इन सब में जो है आपका यहाँ पर 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। अब आगे मैं बात करता हूँ भाई, यहाँ पर जो है ITI स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकता है, ITI चाहे आप SCVT से पास आउट हो या फिर NCVT से, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। BTEC और MBA वाले यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको कैटेगरी पर आपके एज रिलैक्सेशन भी यहां पर दिया जाएगा, ठीक है। इसमें एज लिमिट की अगर मैं बात, भाई आपकी जो यहां पर एज लिमिट रखी गई है वो आपकी 18 से 26 साल आपकी जो है यहां पर एज लिमिट रखी गई है, जो 30 अप्रैल 2022 से जो है
काउंट होगी, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूं यहां पर, तो भाई आपको मैंने क्लियर कर दिया कि भाई यहां पर एलेक्सेशन भी दिया जाएगा, ठीक है। और बाकी यहां पर जो है आपका पे स्केल रहेगा, देन उसके बाद आपके सारे अलाउंसेस इसमें बताए गए हैं भाई डिपार्टमेंट कंपनी की तरफ से आपको कौन कौन से यहाँ पर अलाउंसेस दिए जाएंगे, ठीक है। सिलेक्शन मेथड मैंने बता दिया भाई, रिटन टेस्ट होगा, देन उसके बाद आपका स्किल प्रोफिशिएंसी या SPPT टेस्ट यहाँ पर आपका लिया जाएगा, ठीक है। स्किल टेस्ट के मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका फाइनल सिलेक्शन जो है यहाँ पर होगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, इसमें ये सारे जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आपकी 150 आपकी फ़ीस लगने वाली है, जो SBI कलेक्ट के माध्यम से आपको जो है IOCL को पे करनी होगी, ठीक है। जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो सारा कुछ जो है उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे अगर मैं बात करूं, तो आपको जो है IOCL का फॉर्म अब उनके ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको फिल करना है, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्टली यहां ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके और फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और भाई IOCL को जो है यहां पर कोई भी कॉन्टैक्ट करना हो, ये उनकी ईमेल आईडी है, आप यहां से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और उनका ईमेल आईडी भी जो है यहां पर दिया गया है। फ्रेंड्स, ओपनिंग डेट की अगर मैं बात करूं, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप 21 अप्रैल 2022 सुबह 10 बजे से कर सकते हो। लास्ट डेट की अगर बात करूं, तो 22 मई 2022 शाम को 5 बजे तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। भाई फॉर्म की जो सारे आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनका जेरोक्स आपको मेल करके भेजना है डिपार्टमेंट को, वो मेल आईडी दी है उस पर आपको मेल करके है जो है आपके सारे डॉक्यूमेंट्स का PDF बना के डिपार्टमेंट को भेजना है यहाँ पर 18 मई 2022 से पहले पहले, ठीक है। उसके बाद जब आप वहाँ पर एग्ज़ाम देने जाओगे, तो आपको वहाँ पर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के जेरोक्स सेल्फ अटेस्टेड करके विथ एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपके चालान के साथ और वहाँ पर ले जाना है जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे, और इन हैंड वहाँ पर आपको देना है, ठीक है। इन हैंड आपको वहाँ पर देना है किस डेट में, 22 मई 2022 डेट में आपको यहाँ पर देना है, ठीक है। टेंटेटिव जो आपकी रिटर्न टेस्ट डेट है, वो मतलब जिस दिन आपका एग्ज़ाम रहेगा आपको उसी दिन देना है, और आपका जो रिटर्न टेस्ट है वो 22 मई 2022 को रखा गया है, रिजल्ट का इसमें बताया गया है भाई 2 जून 2022 तक आपका यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, काफ़ी वैकेंसी है, बस रीज़न यही है कि पोस्ट काफ़ी कम है, लेकिन यदि यहाँ पर एलिजिबल हो तो ज़रूर अप्लाई करना। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो, नया है तो सब्सक्राइब करके रखना, ताकि और भी जो टेक्निकल जॉब की अपडेट है मैं आप तक पल पल की अपडेट उसकी पहुँचा पाऊँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, जय हिंद एंड बाय बाय।